हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास सेवन के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास सेवन के साइंस का ये पहला चैप्टर है जो आपको अभी अपनी स्लाइड में शो हो रहा है। कल हमने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर देखा था और आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर अपना पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका वो दिया हुआ है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण। चलिए देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। ऑल लिविंग थिंग्स, देखिए जितने भी हमारे सजीव वस्तु हैं, चाहे भले ही उनका शेप अलग हो, साइज अलग हो, उन सब के जो एक्टिविटीज़ है वो सब एक दूसरे से अलग हो सॉरी लेकिन उनमें कुछ आपको कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि वे सभी जो हैं खाना खाते हैं, वे सभी पाचन की क्रिया करते हैं, वे सब जो हैं आपको ऊर्जा का उनकी उनको आवश्यकता होती है। फूड फूड को जो है वो अपनी ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसके अलावा जो है वो अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालते हैं। ये सारे लिविंग थिंग्स में कॉमन हैं। दे हैव टू रिस्पॉन्ड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि वो अपने पर्यावरण के अनुसार जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अनुक्रिया को दिखाते हैं, और फिर जो है वो आपको रिप्रोडक्शन भी करते हैं अपने काइंड के जैसे। रिप्रोडक्शन भी वो आपको प्रोड्यूस प्रोडक्शन भी करते हैं। और दीज एक्टिविटीज़, यानी कि ये सारे के सारे जो भी क्रियाकलाप हैं जो कि एक लिविंग बींग्स में होते हैं, इन सबको जो है हम लोग लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है? पोषण, श्वसन, आपका ग्रोथ यानी कि बढ़ोतरी, जिसको हम लोग आपको आपको बॉडी बिल्डिंग और ये सबसे रिलेट करके देखते हैं सेल फॉर्मेशन से। इसके अलावा तो एक्सक्रीजन यानी कि उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली यानी कि अनुक्रिया वगैरह, ये सारी जो है महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम हैं। मुख्य रूप से हम लोग को यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन ये जो होता है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रियाएँ होती हैं उनको उनको सुचारू रूप से चलने के लिए, ठीक है, हम लोगों को जो है हमारे शरीर में कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत होती है। जैसे एक फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन को होने के लिए जो है शरीर में एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी जो है वो हम लोगों को भोजन को खाने से मिलता है, ठीक है, भोजन जो हम लोग लेते हैं वही एनर्जी जो है हम लोग को मिलती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, यानी कि ये जो हम लोग का भोजन को कंज्यूम करने का, यानी कि भोजन को लेने का और उसको जो है यूटिलाइज करने का, यानी एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है एनर्जी में नहीं बोल सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस हो जाता है रेस्पिरेशन, जो आपको एक्चुअली में भोजन को लेना और उससे पोषक तत्वों का जो है शरीर में आपको अधिग्रहण करना, यही कहलाता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जो है कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फूड के होते हैं और ये हमारे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। हम लोग जो हैं आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर डिपेंड होते हैं अपने इन न्यूट्रिशंस के लिए। पौधे जो होते हैं वे आपको अपना स्वयं का भोजन बना लेते हैं, लेकिन जानवर या फिर मनुष्य जो है वो अपना स्वयं का भोजन नहीं बना पाते हैं। जो लिविंग वर्ल्ड है वो आपको ऑर्गेनिज्म के दो कैटेगरी से भरा पड़ा है। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है भाई? तो वो है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी जीव और हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषी जीव। अब ज़रा हम इनको समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है स्वपोषण। स्वपोषण को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्वपोषण का मतलब क्या? स्वयं से पोषण, मतलब कि खुद से ही अपना सारा पोषण का काम कर लेना। जो हरे पौधे होते हैं वे खुद ही अपना भोजन बनाते हैं उनके आसपास जो वस्तुएँ मौजूद होती हैं उनसे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट वगैरह। ये जो प्रक्रिया होती है पौधों का भोजन बनाने की, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे या फिर यंग स्टीम्स जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और क्लोरोफिल और बाकी सारी ये जो सनलाइट या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर, इन सबको मिलाकर जो है आपको पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करते हैं और अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करते हैं। अब बात करते हैं कि इन सबको वो ग्रहण कैसे करते हैं। तो क्लोरोफिल तो पौधों में नेचुरल रूप से पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है, मतलब सनलाइट को जो है पौधों के अंदर लाने का, घेर का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे आपको अपने आसपास के इन्वायरमेंट से डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो है आपको ग्रहण कर लेते हैं। छोटे छोटे पौधों के पत्तियों में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के द्वारा जो है आपको पौधे आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं। इन्हीं पोर्स के को जो है स्टोमाटा कहते हैं, और स्टोमाटा के चारों तरफ जो होता है आपको गार्ड सेल होता है। और कभी कभी पूछ देता है कि स्टोमाटा के चारों तरफ क्या पाया जाता है, तो आपको क्या कहना होगा कि गार्ड सेल पाए जाते हैं। अब जो है सन की एनर्जी को प्रयोग करके जो है केमिकल रिएक्शन होता है पौधों के बीच में, और इसके अलावा और उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन सब की अनुक्रिया से जो है ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, और साथ में जो है ऑक्सीजन भी रिलीज होता है।
इस तरीके से पौधे का भी पोषण होता है और हम लोगों को भी जो है आपको ऑक्सीजन मिलता है पौधों में। देखिए यहाँ पर लीफ में जो है स्टोमाटा कैसे होता है, छोटा सा छेद की तरह से आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर फिगर में। यहाँ पर जो है आपको एक छोटा सा एक्टिविटी दिया हुआ है लीफ पर स्टार्च टेस्ट का, ठीक है। तो लीफ पर ये जो स्टार्च टेस्ट है इसमें आपको ग्रीन लीफ को जो है बॉईल करके 5 मिनट के लिए क्या करना है कि रख देना है, और फिर जो है उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर उसके अल्कोहल डालकर और उसको उसके अंदर डुबाकर और फिर से वार्म वाटर में रखना है तब तक जब तक कि आपको अल्कोहल जो है वो बॉयल ना होने लगे। जब अल्कोहल जो है वो आपको क्लोरोफिल में डिजॉल्व हो जाएगा यानी कि घुल जाएगा तो लीफ का जो ग्रीन कलर है वो हट जाएगा। अब क्या कीजिए कि उस लीफ को वॉश कर लीजिए वार्म वाटर से और उसके ऊपर जो अल्कोहल लगे हुए उसको हटा लीजिए और फिर जो है उसको एक डिश के ऊपर फ्लैट करके रख दीजिए और फिर जो है उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन आप गिराइए। देखिएगा क्या कि जब आप लीफ से आयोडीन सॉल्यूशन को हटाइएगा हाथ से तो और स्टार्च इसको जो है आप अपना लाइट के पास ले आइएगा सनलाइट के पास तो उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो ब्लू ब्लैक कलर में आपको साफ साफ दिखने लगता है। तो ये एक्टिविटी जो है वो कुछ आपको करना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो बहुत सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल नहीं है जो, लेकिन इसको प्रयास किया जाएगा कि विद्यालय में करवा दिया जाएगा जब भी विद्यालय खुलेगा। दिस प्रोसेस इज हालाँकि ये हम लोग को अभी फ़िलहाल कंसनट्रेट करना है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और क्लोरोफिल और सनलाइट के साथ जो है ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लेता है। इसी को हम लोग आपको शॉर्ट में अगर डिनोट करना चाहें तो 6CO2 और 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव C6H12O6 प्लस 6O2। ये जो C6H12O6 है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, O2 इज़ फॉर ऑक्सीजन, H2O इज़ फॉर वाटर एंड CO2 इज़ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादातर पौधों में जो ग्लूकोज होता है वो आपको स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है और उनको इस स्टार्च को जो है लीव्स स्टीम और रूट्स में आपको स्टोर करके यानी कि संचय करके रखा जाता है। इस तरीके से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का भोजन बनाते हैं और नॉन लिविंग जो आपके उनके आसपास के इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स मौजूद होते हैं उन्हीं की सहायता से इसके इस प्रकार के न्यूट्रिशन का जिसमें जो है पौधे अपना स्वयं का भोजन संश्लेषित करते हैं इसी को जो है हम लोग आपको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं यानी कि स्वपोषण कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके हरे पौधे होते हैं वे ऑटोट्रोप्स होते हैं, मतलब कि वो अपना खुद का पोषण स्वयं से करते हैं। अब जो है फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में यानी कि अगर पौधों में जो है फोटोसिंथेसिस ना हो तो फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा और फूड अगर प्रिपेयर नहीं होगा तो धरती पर जो है पौधों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो बिसाइड्स लीव्स यानी कि पत्तियों के अलावा जो है फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स ऑफ प्लांट एज इन ग्रीन स्टीफ एंड यानी कि पत्तियों के अलावा जो है फोटोसिंथेसिस आपको पौधों में सिर्फ पत्तियों में ही नहीं होता है, ये ना आपको स्टीम में भी होता है और जो हरे हरे शाखाएँ होती हैं उनमें भी होता है। डिजर्ट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो आपको स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइंस निकले हुए थे कटी कांटा जैसा, ठीक है। कांटा वो स्पाइंस इसलिए निकला हुआ होता है ताकि वो वाटर के आपको लॉस को रोक सके। क्या होता है कि जब लीफ ब्रॉड होता है ना तो ज़्यादा वाटर का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा, तो जितना ही लीफ पतला होता है उतना ही वाटर लॉस कम होगा। और चूंकि आपको पता है कि डिजर्ट में पानी की कमी होती है इसी कारण से जो है वहाँ की पत्तियाँ जो होती हैं वो कम से कम आपको वॉल्यूम घेरती हैं ताकि उनका पानी का लॉस कम से कम हो और वो सर्वाइव कर सकें। अब जो है यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिया गया है जिसको हम लोग विद्यालय खुलने पर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने का ट्राई करेंगे। क्रोटोन के लीव से है ये, तो इसको आप अभी के लिए रहने दीजिए। फिलहाल जो है जो हम लोग का टॉपिक है उस पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑटोट्रॉफिक तो हम लोग समझ गए कि ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, स्वयं का पोषण होता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हेटरोट्रॉफिक जो होता है वो होता है परपोषण, यानी कि जानवर या फिर जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो आपके गैर हरित जिनमें जो है आपको हरा रंग पाया जाता है जैसे कि फंजाई हो गया या बैक्टीरिया हो गया, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपको पौधों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, और ये जो प्रक्रिया है कि अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित करके दूसरों से प्राप्त करने का, इसको हम लोग कहते हैं परपोषण यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जितने भी जानवर या फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स है वे सब के सब क्या है, हेटरोट्रॉफ्स हैं यानी कि परपोषी हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, वहीं कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड होते हैं पेड़ पौधों पर।
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की थोड़ी हम बात कर लेते हैं पौधों में। कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि लिव इन सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव इन ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। देखिए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि डॉडर का एक प्लांट होता है जो कि क्या करता है कि आपको दूसरे जिसका जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो क्या कर वो येलो कलर के ट्यूब के जैसा होता है। देखिए, फिगर में आपको दिखाया गया है डॉडर प्लांट का, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फिगर। ये क्या करता है कि यू कैन सी, ये जो होता है आपको द ट्विनिंग अराउंड द स्टीम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दिस इज कस्कटा इटैलिक्स। ये जो होता है अमर बेल का पौधा होता है जो कि आपको डॉडर के पौधे के ऊपर ऐसे लपेटा जाता है, लपेट के पूरा ये अमरबेल का पौधा जो है उसके ऊपर ऐसे झाड़ जैसा बना लेता है और उसी पौधे से जो है ये अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो आपको अमरबेल का पौधा है जिसको हम लोग कैस्कट भी बोलते हैं, ये जो होता है आपको पैरासाइट होता है और जिस पौधे के ऊपर ये लपेटा हुआ है यानी कि ये खुद को अपने अपने को लपेट कर रखा है उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो दूसरे पर लपेट के अपना खड़ा है वो पैरासाइट और जो लपेट के रखा है वो हो गया होस्ट। अब आते हैं कुछ पौधे जो होते हैं कुछ ग्रो ऑन ट्रीज सच एज मैंगो, यानी कि कुछ ऐसे भी आपके पौधे होते हैं जैसे कि आपको आम का पेड़ हो गया या महुआ का पेड़ हो गया, इनके जो है ग्रीन लीव्स होते हैं, ये जो है अपना खुद का भोजन भी सिंथेसिस कर सकते हैं। दे टेक वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि ये क्या करते हैं कि आपको अब क्या होता है कि मैंगो और महुआ के पेड़ के ऊपर भी जो है कुछ आपके दूसरे दूसरे पेड़ लटक कर उगने लगते हैं। उन सारे पेड़ों को हम लोग पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं और उनके लिए होस्ट जो है मैंगो और महुआ के पेड़ बन जाते हैं जो कि इनको पोषण देने का काम करते हैं। कुछ दूसरे आपके प्लांट्स होते हैं जो कि आपको इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे कि वेनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट है। ये जो है आपके क्या करते हैं कि कीड़ा को पकड़ पकड़ के खाते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। इनका सेल जो होता है, इनकी जो कोशिका होती है, वो एक खास प्रकार का जूस क्रिएट करती है, जूस का स्रवण करती है जो कि जानवरों को इंसेक्ट्स को पचा लेती है। इनमें जो है आपको घड़ा के जैसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा ना इस वाले पौधे का घड़ा जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही इनके आसपास जो है कोई कीड़ा मंडराता है ना तो इनके ऊपर का जो ये ढक्कन है वो बंद हो जाता है और जैसे ही बंद होता है उनके अंदर जो है वो कीड़ा बेचारा फंस गए और फंस गए तो बस अब गए, उनका हो जाता है पाचन उसी पौधे के अंदर। द एपेक्स ऑफ द लीव फॉर्म द लीड, यानी कि ये जो पत्ती इन्हीं का जो ये जो देखिए यहाँ पे ढक्कन जैसा दिख रहा है ना आपको, ये जो ढक्कन है यही ढक्कन बंद हो जाता है और ये ढक्कन जो होता है वो पत्ती के एपेक्स यानी कि सबसे ऊपर वाले सिरे से बनता है। अब जब पीचर प्लांट के अंदर जो होता है आपको काफ़ी ज़्यादा हेयर नुमा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा जो कि नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। जब कोई इंसेक्ट जो है उसके अंदर जाता है तो ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट जो है वो इस ये जो घड़ा जैसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर बहुत सारा बाल 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 जैसा छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो उसमें वो कीड़ा जो है फंस जाता है और फंसने के बाद जो है वो क्या करता है पीचर प्लांट अपना सारा डाइजेस्टिव जूस वगैरह निकाल के उनका पूरा अपना कीमा बनाकर खा लेता है, उसको अपने पोषण में इस्तेमाल कर लेता है। तो इस तरीके का जो आपको पौधे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं इनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपको सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, मृतजीवी पौधे इनको बोलते हैं। देखिएगा कभी कभी क्या होते हैं ना कि कुछ पौधे आपके ऐसे होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही पौधों को हम लोग सेप्रोट्रॉप्स या फिर सेप्रोफाइट्स कहते हैं। देखिएगा कि क्या होता है, फफूंद लग जाता है ना, ब्रेड को आप अपने घर में कुछ दिन तक छोड़ दीजिए तो आपको फफूंद लग जाता है। देखिए यहाँ पर फिगर में भी दिखाया गया है, ये जो फफूंद होता है ये क्या करता है कि सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे ब्रेड सड़ गया आपका तो वो क्या करेगा कि उसके ऊपर जम जाएगा और उससे जो है अपना भोजन जो है अपना प्राप्त करने लगेगा। तो इस तरीके का जो ये जो फफूंद का न्यूट्रिशन प्राप्त करने का तरीका हुआ इसको हम लोग सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं यानी कि मृतजीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे पौधे जो कि आपको मृतजीवी पोषण से अपना जीवन गुजारा कहते हैं ऐसे पौधों को हम लोग सेप्रोट्रॉप्स यानी कि मृतजीवी कहते हैं। फंजाई जो होता है वो आपको लेदर पे ग्रो करता है। फंजाई भी देखिएगा अचार वगैरह सड़ जाता है ना तो उसके ऊपर व्हाइट 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 सा कुछ उग जाता है कवक वगैरह, तो वो फंजाई होता है। या फिर बारिश के दिन में दिखेगा गोबर छत्ता जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये भी एक प्रकार का मृतजीवी होता है जो कि गोबर वगैरह से जो है आपको क्या करते हैं अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं और अपना आवास और अपने पोषण को शेयर करते हैं। इस तरीके का जो आपको रिलेशनशिप होता है उन दोनों के बीच में कि दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं न्यूट्रिशन में, इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि आपको कुछ फंजाई जो होते हैं कुछ पेड़ों के रूट में हमेशा लगकर रहते हैं और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है। फंगस जो होता है न्यूट्रिएंट्स देता है और वही जो आपको पेड़ होता है वो फंगस को वाटर और दूसरे आपके जरूरी
बॉडी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का काम करता है। ये जो आपको दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो होता है पेड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है कि इन ऑर्गेनिज्म, अब कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जैसे कि लाइकन हो गया, इनमें जो है आपको एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, मतलब कि ये हमेशा जो है एक दूसरे जीव के साथ जुड़ कर रहता है जिसको हम लोग अल्गी कहते हैं। और अल्गी जो है वो लाइकेन को क्लोरोफिल का सप्लाई करता है, ठीक है। और फिर फंगस जो है, फंगस और अल्गी जो है एक साथ रहते हैं हमेशा, और उसी का एक एग्जांपल है लाइकेन, मतलब फंगस और अल्गी के एक साथ सहजीवी संबंध कर संबंध में रहने से बना है लाइकेन, जो कि आपको फंगस को जो है अल्गी से शेल्टर, वाटर और मिनरल्स मिलता है। और वहीं रिटर्न में जो है अल्गी क्या प्रोवाइड करता है फंगस को, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है। अब आते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि कैसे जो है आपके मिट्टी में पोषक तत्वों की परिपूर्ति की जाए, ठीक है। वी नो, चूँकि हमको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, आपके मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको वाटर से अब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ समय के बाद जो है जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक ही मिट्टी से जब बार 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 न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होगा पौधों के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो मिट्टी होगी वो उसकी उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी, यानी कि अगर जो है हम लोगों को पौधों को उगाना है एक ही मिट्टी पर, उनको हेल्दी रखना है, तो हम लोगों को जो है आपको रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा सारे पौधों का, तो जो भी उनका पोषक तत्वों का रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा करना पड़ेगा। जितने भी क्रॉप्स होते हैं उन लोगों को जो है न्यूट्रिएंट चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए, और हार्वेस्टिंग के बाद जो सॉइल होता है वो आपको उनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है कटनी के बाद, तो इसीलिए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन, लगभग 77% नाइट्रोजन जो है वो एयर में मौजूद होता है, और ज़्यादातर जो नाइट्रोजन गैस होता है वो आपको रेन वाटर के साथ डिजॉल्व होकर पौधों के रूट्स के द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है सॉल्यूबल फॉर्म में। द बैक्टीरिया कॉल्ड, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, ये अपना खुद का भोजन तो नहीं बना पाता है, लेकिन क्या करता है कि ये आपके कई सारे मटर वगैरह के जो पौधे दलहनी पौधे होते हैं ना मुख्य रूप से, जैसे कि चना का पौधा, मूंग का पौधा, इन सब के रूट्स में रहता है, और उनके लिगमस गांठ होते हैं, ठीक है, लिगमनस गांठ होते हैं, उनके लिगमस गांठों में जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया जो है उन पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मोस्ट जितने भी आपके दाल वगैरह के जो दलहनी पौधे होते हैं उनको अपना नाइट्रोजन की परिपूर्ति इस राइजोबियम बैक्टीरिया से हो जाती है। यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि जो हर तरीके का बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल नहीं होता है, ये यूजफुल बैक्टीरिया है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड, और बदले में पौधे जो होते हैं उस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, भाई रूट्स में रह लो मेरे, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, बदले में हमको भी नाइट्रोजन देना पड़ेगा। इस तरीके से जो है दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, सहजीवी संबंध में रहते हैं, और ये जो एसोसिएशन है ये फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि दोनों एक साथ रहकर अच्छा प्रोडक्शन देंगे, अच्छा क्रॉप देंगे, तो किसको फायदा होगा, फार्मर को ही ना फायदा होगा। चलिए अब हम लोग जो है इसका थोड़ा सा टिकी द करेक्ट ऑप्शन कर लेते हैं, जिनके पास बुक है वो लोग कर लीजिए, जिनके पास नहीं है वो लोग वापस वीडियो प्ले करके जब बुक आ जाएगा तब कर लीजिएगा, और नहीं है तो आप क्या कीजिए, अभी फिलहाल वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार लीजिए और फिर जो है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द दीज आर इंसेक्टिवोरस, इनमें से कौन इंसेक्टिवोरस है, वेनस फ्लाई ट्रैप है, तो वेनस फ्लाई ट्रैप पर टिक कर लीजिए। द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड, कौन से प्रक्रिया से ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस। टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के सरफेस पर टीनी पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड, यानी कि फूड को कंज्यूम करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ट्रू फॉल्स बता देते हैं, अमर बेल ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल है, अमर बेल जो है ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल नहीं है, सेप्टोट्रॉफ का एग्जांपल है, लेकिन सेप्टोट्रॉफ, हाँ सेप्टोट्रॉफ का एग्जांपल है, तो वो हेटरोट्रॉफिक में आता है, इसमें फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इसको फॉल्स कर लीजिए। पीचर प्लांट जो है वो आपको इंसेक्ट्स को ट्रैप करके खाता है, बिल्कुल सही है, ट्रू कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होता है, फॉल्स हो जाएगा ये थ्री नंबर। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पौधे जो होते हैं वो आपको रूट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नहीं पत्तियों के द्वारा लेते हैं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फंजाई सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, फंजाई सेप्रोट्रॉप्स नहीं होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। एक पैरासाइट का आप एग्जांपल लिख लेना है, तो इसको एमर बेल या फिर कैस्कट लिख लीजिएगा, कैस्कट उसको इंग्लिश वर्ड है जो कि पीछे आपके चैप्टर में दिया हुआ है। इसके अलावा जो है यहाँ पर दिया हुआ है स्टोमाटा आर सराउंडेड बाय, स्टोमाटा किससे घिरे हुए रहते हैं, तो गार्ड सेल्स के द्वारा, मैंने बताया ही था आप लोगों को। सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स डू नॉट हैव, यानी कि सेप्रोफिटिक प्लांट्स
प्लांट्स के पास क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल भर लीजिए 4 नंबर में। 5 नंबर में दिया है डेजर्ट प्लांट्स हैव डैश स्टीम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसमें आप भर लीजिए ग्रीन स्टीम्स, ठीक है। 5 नंबर में भर लीजिए ग्रीन स्टीम्स। और 6 में दिया हुआ है फंगस ग्रो इन हॉट एंड वार्म वेदर कर लीजिए, हॉट एंड ह्यूमिड, आई एम सॉरी 6 नंबर में आप ह्यूमिड कर लीजिए, HUMID, ठीक है। चलिए मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। तो मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले दिया हुआ है आपको महुआ। तो महुआ क्या है, पेरिसियल पैरासाइट 2 कर लीजिए, जो कि मैंगो के ऊपर उगता है महुआ, तो 1 में 2 हो जाएगा, 1 का 2 से मैच कर लीजिए। अमरबेल जो है, अमरबेल एक पैरासाइट है, तो 2 का 5 से मैच कर लीजिए। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी पैरासाइट होते हैं, तो इंसेक्ट्स का किस में आप मैच कीजिएगा, इंसेक्ट्स का रहने देते हैं, लास्ट में देख लेंगे कि कौन किसके साथ कर रहा है, ठीक है। चलिए क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल जो होते हैं वो आपको पत्ती में पाया जाता है, तो 4 का 3 से मैच कर लीजिए। ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स में पिचर प्लांट आ जाएगा, 5 का 4 से मैच कर लीजिए। न्यूट्रिएंट्स जो होता है, न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ में मदद करते हैं, तो 6 का 1 से मैच कर लीजिए। अब हम लोग का छूटा था क्या, इंसेक्ट्स का, तो इंसेक्ट्स का हेटरोट्रॉप से मैच कर लीजिए, 3 का 6 हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोगों का डिफाइन और ये, तो ये तो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। रहन देते हैं इतने के लिए, आज के होमवर्क में आप लोग यही कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तब अब कल हम लोग कुछ नया चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।